अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महो धुति अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षणा युक्तता। सहनशीलता को धृति या धैर्य कहा जाता है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता शोक और उदासी उत्पन्न न होने देने का गुण धैर्य है। धैर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एक उत्तम गुण है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और बातचीत सांचित होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। सुख दुख जय पराजय हानि लाभ गर्मी सर्दी आदि अनेकों ऐसे द्वंद्व हैं जो जीवन में अनुकूलता या प्रतिकूलता का अनुभव कराते रहते हैं। द्वंद्वों पर विजय पाने के लिए किया गया पुरुषार्थ एक प्रकार का तप है। इन द्वंद्वों पर विजय पाने के बाद व्यक्ति धीर पुरुष बन जाता है। इस गुण के कारण वह सुख के समय प्रसन्नता से गदगद नहीं होता है और न दुख में हताश होकर बैठता है, बल्कि हर एक अव्यवस्था में समान रूप से कार्यशील बना रहता है। धैर्य के गुण को प्राप्त करके मनुष्य में असाधारण सामर्थ्य आ जाती है। वह न केवल अपने लक्ष्यों को अविचल रूप से प्राप्त करता जाता है, बल्कि दूसरों को उचित सलाह देने के लिए भी सदा तत्पर रहता है। गीता में मनुष्य के इस गुण को दैवीय संपदा बताया गया है। इस गुण के अभाव में मनुष्य अधार्मिक कामों या कुकर्मों में संलग्न हो सकता है। ऐसे में समाज में आसुरी वृत्ति बढ़ती जाएगी। समाज में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमें धैर्यशाली बनना चाहिए। मनुष्य को जीवन मार्ग पर चलते हुए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं, परंतु इनका सामना धीरज रखकर ही किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में तो जीवन यथावत चलता रहता है, परंतु धैर्य की परीक्षा विपत्ति आने पर ही होती है। इसलिए संत तुलसीदास ने उचित ही कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी इन चारों को आपातकाल में परखना चाहिए। और चाहे स्तुति करें लक्ष्मी यानी धन संपत्ति, चाहे रहे या ना रहे, आज ही मरना हो या एक युग के बाद मरना हो, लेकिन धीर पुरुष न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। धैर्य के गुण का महत्व जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। अब मैं आपको एक ऐसे विद्वान की कहानी सुनाता हूँ जो शिव भक्त था। शिव में उसकी आस्था थी। शिव तांडव स्त्रोत्र रचने वाला वह एक कवि था। वह कोई और नहीं दशानन रावण था। रावण बहुत ही ज्ञानी महापंडित होने के साथ ही ज्योतिष वास्तु और विज्ञान का ज्ञान भी रखता था। वह दिव्य और मावी शक्तियों का ज्ञाता था। उसके 10 ऐसे कार्य हैं जिन्हें आज भी विश्व याद करता है। क्या थे वो कार्य जिसे जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं धैर्य के संदर्भ में। शिव तांडव स्तोत्र। रावण ने अपने आराध्य शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। रावण संहिता। रावण संहिता जहां रावण के संपूर्ण जीवन के बारे में बताती है, वहीं इसमें ज्योतिष की बेहतर जानकारियों का भंडार है। रावण के गुण। रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों विस्मृत नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि रावण शंकर भगवान का एक बड़ा भक्त था। वह महातेजस्वी प्रतापी पराक्रमी रूपवान तथा विद्वान था। वाल्मीकि उसके गुणों को निष्पक्षता के साथ स्वीकार करते हुए उसे चारों वेदों का विश्वविख्यात ज्ञाता और महान विद्वान बताते हैं। वे अपने रामायण में हनुमान का रावण के दरबार में प्रवेश के समय लिखते हैं, अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महो धुति अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षणा युक्तता।
रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप सौंदर्य धैर्य कांति तथा सर्व लक्षणायुक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान ना होता तो यह देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण दुष्ट था और पापी था। शास्त्रों के अनुसार वह किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता बगैर उसकी इच्छा के। अगर वह ऐसा करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसी कारण वह सीता जी को छू तक नहीं पाया। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों ही ग्रंथों में रावण को बहुत महत्व दिया गया है। राक्षसी माता और ऋषि पिता की संतान होने के कारण सदैव दो परस्पर विरोधी तत्व रावण के अंतःकरण को मथते रहते हैं। तो ये थी अजेके न्यूज नेटवर्क की मोटिवेशनल सेगमेंट। ऐसे ही मोटिवेशनल सेगमेंट की जानकारी के लिए आप अजेके न्यूज नेटवर्क को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।